नमस्कार, सुप्रभात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यही गीत हर जगह, हर गली में, हर घर में, हर दिल में आज गूंज रहा है। न केवल भारतवर्ष में, लेकिन भारतवासी जहाँ कहीं भी विश्व के कोने कोने में रहते हैं, वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दही हांडी तो देख करके सबके मुंह में पानी ही आ जाता है। खेल पाल के साथ साथ कितनी रोचकता के साथ लोग दही हांडी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये केवल दही हांडी का खेल नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति है। श्री कृष्ण जी ने जिस रूप में अपनी बाल लीलाएं की थी, उन्हें याद करते हुए और साथ ही उन्होंने गीता में जिस प्रकार से सारे संसार को सुंदर संदेश दिया, उस रूप में भी आज के दिवस में हम बहुत ही गहराई से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से, श्रद्धा से श्री कृष्ण जी को याद करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। मित्रों, उनके जन्मोत्सव के साथ उनके पूरी जीवन काल में जो चीज़ें हुई हैं, उन सब के पीछे बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक भाव हैं। आज के सबरंग में उन्हीं में से कुछ अंश पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। आइए लिए चलता हूँ आपको सुंदर सुवाक्य की ओर, जो रंगा ही हुआ है जन्माष्टमी में। पवित्रता और सरलता की छवि है जन्माष्टमी। श्री कृष्ण नन्हा सा वो फरिश्ता है जिसकी कामना हर एक परिवार अपनी समृद्धि और खुशी के लिए करता है। नन्हे से उस बालक में नटखटपन और अलहड़पन की वो सरलता होती है जिसकी छाप हर एक दिल को स्पर्श करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक शिशु पवित्रता की वो मिसाल है जो ईश्वर हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमें जन्मकाल से ही इस गुण से नवाजा है। जीवन की राहों पर बढ़ती उम्र के साथ साथ कहीं ना कहीं ये मासूमियत, सरलता और पवित्रता जैसे थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन ईश्वर की संतान होने के कारण उसका बीज हमारे अंदर रह जाता है। इसलिए अगर हम ठान ले कि नन्हे श्री कृष्ण को प्रेरणा बनाकर हम पुनः अपनी पवित्रता को जागृत करेंगे, तो समाज तथा संसार समृद्धि की खुशहाली से जगमगा उठेगा। अपने अंदर झांकें कि जितनी सुंदरता, जितनी श्रेष्ठता, जितने गुण हम श्री कृष्ण जी को कहते हैं, वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। तो केवल झांकी ना लगाएं, लेकिन अपने अंदर भी झांकें कि कहीं मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। उन अवगुणों को दूर करने की प्रेरणा देता हुआ और अपने आप को गुणों से संपन्न बनाने की प्रेरणा देता हुआ है ये जन्माष्टमी का पर्व और ये सुंदर झांकियाँ। तो न केवल झांकी देखें, झांकी सजाएं, लेकिन अपने अंदर भी हम जरूर झांकें, अवगुणों को दूर करें, गुणों को विकसित करते चलें। इसी के साथ, सुंदर बात के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार। कीवी एक ऐसा फल है कि जिसमें बहुत मात्रा में फाइबर है। अन्य फलों की भी कंपैरिजन में उसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा है। भूख खत्म हो जाएगी या तो आपको भूख कम लगेगी, जल्दी से सेटिस्फेक्शन को फील करेंगे आप। कीवी में जो एंटीऑक्सीडेंट है वह कोलन कैंसर से भी हमें बचाते हैं। एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, आपने भी सुना होगा कि भी मसल्स उनके वीक होने लगते हैं और फिर व्यक्ति जैसे कि ठीक से चल नहीं पाता है, धीरे धीरे उसके अंग है वह भी काम करना बंद कर देते हैं, व्हीलचेयर पे आ जाता है। तो इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी प्रिवेंट करने में कीवी बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। तो फलों का सेवन हमें इसीलिए करना है कि ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिसकी रोकथाम हो सकती है। हमारे शरीर में इस प्रकार के कहेंगे कि भी पार्टिकल्स जनरेट होते ही रहते हैं कि जो शरीर के लिए हार्मफुल है,
बहुत सारी हानियां करेंगे। यहां तक मैं तो कहूंगी भी कैंसर सेल्स भी प्रोड्यूस होते रहते हैं, परंतु अगर हमने अच्छी मात्रा में जिसको कहा गया है फाइटोकेमिकल्स, कैंसर और जो बीमारियां है उससे वह फाइट करते हैं, तो फाइटोकेमिकल्स जो कीवी में वो भी हमें बहुत ही मदद करते हैं। ओम शांति। पितरों श्री कृष्ण जी के लिए दिखाया जाता है कि उन्होंने वस्त्र चुराए या माखन भी वो चुराया करते थे और सबके साथ बांट के खाया करते थे। आध्यात्मिक भाव बड़ा प्यारा सा है, वस्त्र चुराना देह भान का। जो मनुष्य आत्माएं देह के भान में हैं, अपने पद और पोजीशन के भान में हैं कि मैं ये हूँ, नारी हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं तो इतने बड़े पोजीशन पे हूँ, इन सबको उन्होंने हरा और ये याद दिलाया कि तुम ये नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। कितना सुंदर इसका भाव है। और साथ ही माखन चुरा के उन्होंने सबको खिलाया। अच्छी बातें तो सब तक पहुंचानी ही चाहिए, तो उन्होंने गुणों को, अच्छाइयों को, ज्ञान को सब तक पहुंचाया। माखन अकेले नहीं खाते थे, वो मिल बांट के खाया करते थे। इसीलिए हम भी गुणों को, विशेषताओं को सब तक पहुंचाएं और अपने मूल आत्मिक भाव में रहें, यही वास्तव में जन्माष्टमी पर्व मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। बहुत ही प्यारे और गहन से आध्यात्मिक भाव हैं मित्रों, जो भी श्री कृष्ण जी के जीवन के चरित्र हैं, बाल्यकाल में उन्होंने जो किया उन सब में बहुत गहन मर्म है। क्या आध्यात्मिक भाव है, इसे ही लेकर के एक बहुत प्यारा सा वीडियो हम आपके लिए इस जन्माष्टमी में लेकर आए हैं। भारत में जब भी कोई त्यौहार होता है और उसमें भी विशेष कृष्ण जन्मोत्सव जब होता है तो सारे भारत भर में खूब जोर शोर से उसको मनाया जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ, 7 तालों के अंदर बंद थे और हाथ पैर में भी बेड़ियां पड़ी हुई थी। 7 तालों में बंद है अर्थात 7 प्रकार का बंधन मनुष्य जीवन को इस तरह जकड़ के रखा है जैसे कि वह उस बंधन में बंधे हुए हैं। पहला बंधन है तन का बंधन। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कोई ना कोई प्रकार की बीमारी से ग्रसित न हो। दूसरा मन का बंधन है कि नेगेटिव थिंकिंग का भी एक बहुत बड़ा बंधन हो गया है, मन का बंधन। तीसरा है धन का बंधन। जिसके पास धन ज्यादा है उसको भी डर है, जिसके पास नहीं है उसके जीवन में भी कलह क्लेश है। और चौथा है जन का बंधन कि आज मनुष्य के जीवन के अंदर जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में भी इतना कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं जो मनुष्य को वो रिश्ते भी बंधन महसूस होने लगे हैं। पांचवा बंधन है समय का बंधन। सारी दुनिया के अंदर लोगों को देखो, किसी के पास समय ही नहीं है। छठा बंधन है कर्मों का बंधन। आज अनेक प्रकार के मनुष्य पाप कर्म करते जा रहे हैं और वो पाप कर्म भी बंधन में बांधता जाता है। और सातवां है धर्म का बंधन। तो अनेक प्रकार के धर्म के बाड़े बनते जा रहे हैं और उन धर्मों के बाड़े में व्यक्ति भी जब बंध जाता है, छूटना चाहता है लेकिन क्या करे, ऐसे समय पर ही भगवान को भी संसार में आना पड़ता है मनुष्य आत्मा को इन बेड़ियों से मुक्त करने के लिए, इन बंधनों से छुड़ाने के लिए। भाव यही है कलयुगी दुनिया को छोड़ करके सतयुगी दुनिया की ओर, गोकुल में जहाँ श्री कृष्ण बड़ा होता है और अनेक प्रकार की लीलाओं को अनुभव कराता है।
कृष्णा संग हम भी सतयुग में जन्म वो पहला पाएंगे। जन्माष्टमी का यूं हम पावन सच्चा पर्व मनाएंगे। पावन बनकर सर्व गुणों की खुशबू हम फैलाएंगे। जगे सारा डूब रहा है दैहिकता के दलदल में, तड़प रही हैं आत्माएं दुख अशांति के चंगुल में। हर मन में एक महाभारत है, जीवन बना अमंगल में। उलझ गया है पार्थ आज फिर दुविधाओं के जंगल में। हम अर्जुन नष्टो मोहाबन विजय श्री को पाएंगे। जन्माष्टमी का यूं हम पावन सच्चा पर्व मनाएंगे। पावन बनकर सर्व गुणों की खुशबू हम फैलाएंगे। मोर मुकुट से शोभित क्यों पीताम्बरधारी सजे धजे, पावनता से जन्म लिया है मोर मुकुट सर इसी वजह। सुख और चैन की बंसी कृष्णपुरी में चारों ओर बजे, इसीलिए तो काना के अधरों पे बंसी खूब सजे। मुरली की धुन पे संस्कार मिलन का रास रचाएंगे। जन्माष्टमी का यूं हम पावन सच्चा पर्व मनाएंगे। पावन बनकर सर्व गुणों की खुशबू हम फैलाएंगे। स्वर्ण फूल लहला उठेंगे, धरा गगन मुस्काएंगे। मन मयूर नाचेंगे, पंछी राग सुरीले गाएंगे। पांच तत्व और दसो दिशाएं पावनता बरसाएंगे। फिर से प्यारे कृष्ण कन्हैया भारत भूमि आएंगे। फिर से प्यारे कृष्ण कन्हैया या भारत भूमि आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। लखनऊ में जन्मी बीके मोहिनी 11 वर्ष की छोटी सी आयु में ही लखनऊ के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आई। 12 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय माउंट आबू में आकर ब्रह्मा बाबा से जब आप मिली तो बाबा ने देखते ही पहचान लिया कि ये बच्ची वही कल्प पहले वाली रतन है जो बाबा की सेवाओं में बड़ी भूमिका निभाएगी। आपने तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में रहकर ज्ञान, राजयोग और ध्यान में पारंगत हासिल की। धीरे धीरे आपके जीवन में दिव्य दृष्टि का पाठ शुरू हुआ और वे संदेशी हो गई। दादी प्रकाशमणि के अंग संग रहकर आपने स्वयं को हर योग्यता में परिपूर्ण कर लिया। आपके अंदर निर्भयता और सत्यता के विशेष गुण थे। आप सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। ग्रामीण विकास विभाग के गठन के बाद आपको उसकी अध्यक्षा का कार्यभार सौंपा गया। आपको समाज में आध्यात्मिकता से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपने 7 सितंबर 2016 को 77 वर्ष की आयु में अपने पुराने देह का त्याग किया। तो मित्रों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तो जरूर, लेकिन मनाने के साथ बनने की भी प्रेरणा लें। एक आदर्श है हम सबके सामने, एक पूर्ण व्यक्तित्व है हमारे सामने। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या होती है, अपने हर कर्म को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाता है, छोटे से छोटा कार्य क्यों ना हो उसे कैसे श्रेष्ठता से निपुणता से किया जाता है। हर कला में निपुण श्री कृष्ण जी हमारे सामने आज एक संपूर्ण स्वरूप में है। क्यों ना उन्हें देखते हुए, उन्हें निहारते हुए, उनकी महिमा करते हुए, उनका गायन करते हुए, उनका पूजन करते हुए आज हम उनके गुणों में से कम एक गुण को अपने जीवन में लाने का संकल्प जरूर लें। क्यों तो उनके सारे गुण यदि हमारे जीवन में आ जाएं और चारों तरफ जो हमने कभी कभी सुना है गानों में भी आप सुनते हैं कि हर जगह हमें श्री कृष्ण, हर जगह हमें श्री राधे ही दिखाई दें, हमारे देश का हर बालक हर बालिका यदि ऐसा हो तो सचमुच संसार स्वर्ग बन जाएगा, भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो मित्रों, हम जरूर आज के इस सुंदर दिवस को इसी रूप में मनाएं कि श्री कृष्ण जी से उनके चरित्र को, उनके जीवन को, उनके जीवन दर्शन को, उनके गुणों को हम भी अपने जीवन में लाएंगे, श्रेष्ठता और महानता की ओर चलेंगे। यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना हमारे लिए सही अर्थों में सार्थक होगा। तो एक बार पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।